अंकुश चपराना, आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव अकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी पहली क्लास रीजनिंग की जो कल थी, उसके लिए हमने बेसिक जाना था। जो हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, मतलब अंकों को लेकर जितनी भी समस्याएं के तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये जो उस पर आधार पर जो क्वेश्चन का एग्जामिनर बनाता है उसके लेके हमने बात करा था। और उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, ये दो टॉपिक से। और इसमें गलत होने के या क्वेश्चन छूटने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसके लिए हमने एक आइडिया या एक बोल लीजिए कंसेप्ट निकाला कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पहचानना सीखना है, क्वेश्चन पहचानना कैसे है, उसके बाद उसको अटैम्प्ट करना सीखना है। तो उसके लिए एक साइड में आपको क्या करना है, टाइप लिखने हैं उसके कि कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही जड़ है, या आप बोल लीजिए उसके सोल्व करने की सिर्फ एक ही, या उसको प्रैक्टिस करने का एक ही मेथड है कि उसके सारे टाइप पढ़े जाएँ कि किस टाइप का क्वेश्चन उसमें बन सकता है। और जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे सारे टाइप दिमाग में एकदम रिमाइंड होने चाहिए कि इतने टाइप थे, इसमें से कौन सा टाइप हमारा इसमें लगेगा। ठीक है, तो मैंने दो टाइप के कल डिस्कस करा था, दो क्या चार हो गए थे, फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, धीरे बढ़े तो ऐड हो रहा है कुछ, और तेज़ी से संख्या बढ़े या सीरीज बढ़े तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तेज़ी से घटे तो डिवाइड हो रहा है, और धीरे घटे तो कुछ ना कुछ उस सीरीज में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसको लेकर आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहचानना है आपको और करना है। ठीक है, मेरे बताने से पहले करने की कोशिश करना है, और ये एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, इस आपको तसल्ली से और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा टाइप लग रहा था, उन चार टाइप में से लगेगा, इतना हिंट है। उसको आपको पहचानना है कि टाइप उसमें से चार में से कौन सा है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 7, 10, 14, 19, 25, 32। सबसे पहले दिमाग में आया कि ये सीरीज, ये संख्या बढ़ रही है। ठीक है, फिर हमें दूसरा क्या पता करना है कि ये तेज़ी से बढ़ती हैं या धीरे से। तो इसमें पता लगा कि हमें ये संख्या एकदम तेज़ी से नहीं बढ़ रही, एकदम दोगुनी या चौगुनी ऐसी नहीं हो रही है, धीरे से बढ़ रही हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। तो फिर क्वेश्चन सोल्व करना चालू करते हैं कि जो ऐड हो रहा है उसको देखना है कितना ऐड हो रहा है। 7 से 10 पर गए 3 ऐड हुआ, 10 से 14 पर गए 4 हुआ, 14 से 19 पर गए 5 हुआ, 19 से 25 पर गए 6, और फिर हमारा समझ में आ चुका कि ये हमारी चीज़ इसमें ऐड हो रही है, बढ़ते क्रम में नंबर इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा इसमें समझ आएगा कि 32 में 8 जोड़ना है। एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये जो 8 है ये जोड़ना किस में होता है, तो ये जोड़ना होता है इसमें 32 + 8 = 40। तो नेक्स्ट संख्या हमारी 40 आएगी। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये 0.5 मतलब आधा है, ये 1, 1.5, 2, 2.5। तो नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें भी हमें पता लगा है कि बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है इसका जो सीरीज है, तो उसमें किस तरह से इंक्रीज हो रहा है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। तो इंक्रीज़ हो रहा है इसमें धीरे से, मतलब आराम से इंक्रीज में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 0.5 से 1 हुआ, मतलब कितना बढ़ा, 0.5 ही बढ़ा। 1 से 1.5 हुआ, कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ा। ठीक है, और 1.5 से 2 हुआ, फिर भी 0.5 बढ़ा। 2 से 2.5 बढ़ा, फिर भी 0.5 बढ़ा। तो अब कितना बढ़ेगा, 0.5 ही बढ़ेगा। पिछली संख्या के आधार पर हमें अगले ही जो नंबर है वो आना है। जैसे सेम बढ़ रहा है 0.5 0.5, तो इधर भी 0.5, तो 2.5 और 3, 0.5 मतलब 3। ठीक है, अब इसमें और इसमें फ़र्क कितना है, बात तो सेम है कि कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें तो एक सीरीज जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो नंबर भी बढ़ता जा रहा है। जैसे 3 + 4, 5, 6, 7, 8, इसमें वो नंबर सेम है जो उसमें ऐड हो रहा है। तो उसमें भी दो तरह के हो गए कि जो ऐड हो रहा है वो नंबर सेम है, या जो जो भी ऐड हो रहा है वो भी अलग अलग इंक्रीमेंट उसका हो रहा है। दो तरह के क्वेश्चन इसमें बन चुके हैं। ठीक है, या इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हो रहा है पॉइंट वालों को, अगर आपको पॉइंट से दिक्कत है तो आप कर लीजिए, ये सारे पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, और जब पॉइंट हटाया तो जीरो जो वो है उसके सामने जीरो लगेगी। ठीक है, जिसका पॉइंट हटाया वो तो ठीक है, और जिसका नहीं हटाया उसके सामने जीरो लगनी है ही। तो अब फिर देख रहे, सिंपल क्वेश्चन हो चुका बिल्कुल, ये 5 है, 5 से 10 गए +5 हुआ, 10 से 15 +5 +5 +5, अब 25 से +5 हो गए कितना आएगा, 30। एक करने का तरीका इसका ये भी है, बात सेम ही थी कि दोनों में ऐड हो रहा था, लेकिन थोड़ा पॉइंट से कन्फ्यूजन होता है दिमाग में कि ये पॉइंट वाला थोड़ा सा टिपिकल लगता है, इसलिए पॉइंट हटा कर सकते हैं हम, लेकिन जब पॉइंट हटाएंगे तो जीरो को हमें देखना है कि जीरो किस जगह आनी है। ठीक है,
उसका विशेष ध्यान रखना है। तो दो क्वेश्चन हुए हमारे एडिशन से लेकर, अब हमारा आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 4, 12, 36, 108 और 972, हमें इसमें ये संख्या बतानी है, ये वाली लास्ट वाली हमें दी भी है तो उससे सेकंड लास्ट बतानी है। इसमें हमें पता लगा कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है मतलब बढ़ रही है, लेकिन आप एक या दो डिजिट आगे से ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन क्लियर होता है कि जैसे हमने दो डिजिट देखी पहली, उसमें हमें पता लगता कि उसमें प्लस हो रहा है या गुणा हो रहा है। जैसे इसमें 4 से 12 है तो हम सोचेंगे कि ज़्यादा कुछ प्लस नहीं हो रहा, तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा हो, लेकिन 12 से 36 आए और 36 से 128 आए तो यहाँ आगे हमें पता लगेगा कि यार इतनी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ फिर गुणा हो रहा होगा। बस इसका यही, इस चीज़ की जो पकड़ने का यही तरीका था कि बस हमको अगर पहली दो संख्या से नहीं पता लगे तो लास्ट की देख लीजिए या बीच की देख लीजिए, उन दोनों से हमें ऑब्जर्व हो जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो मल्टीप्लाई वाला लग रहा होगा इसमें, 4 से 12 गए, 4 तिया 12 गुणा 3, 12 से इसमें गए, 12 तिया 36, 3, अब इसमें भी 3 हो रहा होगा, ठीक है। इसमें 3 करने के बाद अब हमें रिजल्ट जो चेक करना है वो इसमें करना है कि इसमें कितना हो रहा होगा। अगर ये इसकी मल्टीप्लाई करके 3 इसमें हो जाए, इसकी मल्टीप्लाई 3 में करके 972 आए तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, ये यहाँ पे चेक भी हो सकता है। इस चीज़ का इतना बेनिफिट है कि हमसे सेकंड लास्ट पूछता है तो साथ के साथ हम चेक भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे 327 24 आएगा, ठीक है। नौ सौ बहत्तर आया इसकी मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ये था हमारा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, 2 से 4 आ रहे हैं, हमें पता लगा प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 4 से 12 है, इसमें भी हमें क्लियर नहीं हुआ कि प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से आगे देखिए 12, 48, 240 क्लियर पता लग रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, गुणा हो रहा है कुछ ना कुछ, तो उसको देखना हमें कितने गुणा हो रहा है। 2 से 4 आए, 2 गुणा हुआ, 4 से 12 पर गए, 3, 4, 5 और अब ये 6 गुना हुआ, 6 0 0 6 4 24 2 और 6 2 12 1440 इसका आंसर है। ये भी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था। ये दो तरह के हमारे ये कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं हम लास्ट दो क्वेश्चन जो बचे हैं इनकी। देखिए वो बढ़ रहे थे, ये घट रहे हैं, अब घटने हैं तो इसका मतलब या तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा या कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा, इन दो केस में से एक लगना है। तो 71, 59, 48 पहले हमें देखना है स्पीड से घट रहा है या धीरे घट रहा है। 71 से 59 गए, कुछ ज़्यादा तेज़ी से नहीं घट रहा, 59 से 48 आए तब भी तेज़ी से नहीं घट रहा, लास्ट तक देख लीजिए आप कि एकदम गिरावट नहीं आई तेज़ी से, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तेज़ी से नहीं घट रहा। अगर तेज़ी से घटता तो उसमें कुछ ना कुछ गुना होता, गुना मतलब सॉरी भाग होता कुछ ना कुछ। तो हम अगर यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न है या यहाँ से हार्ड लग रहा है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, 38 में से 29 गए, कितने हुए 9 ही तो घटे या बढ़े, इसमें गए तो 10, 11 और 12। अगर सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो पीछे से उसका उल्टा चलिए और उल्टी संख्या उसमें जोड़िए, 29 में से इसमें आए तो 9 जुड़े होंगे, इससे इसमें आए तो 10 जुड़े होंगे, या आप इधर से चलिए तो 48 में से 10 गए तो 38 बचे और 38 में से 29 गए तो 9 बचे। किधर से चलिए, बस प्लस और माइनस करने के, अगर पीछे से चलेंगे तो प्लस होगा और सामने से चलेंगे तो माइनस होगी संख्या, ठीक है। क्योंकि इसमें 71 में और 59 में करने में टाइम लगता था तो हमने सीधा जो जितनी छोटी संख्या होगी अंक होंगे उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने में जल्दी से स्पीड से हम कर सकते हैं, तो इनको करने में दिक्कत आई तो हमने पीछे से कर लिए।
जब यहाँ पे 9 हुआ 10 11 12 तो यहाँ से इसमें कितना होगा 8, ठीक है, मतलब 21, 21 में 8 जोड़ के तभी तो 29 आया ना। तो ये था हमारा सबट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। कल के जो आधार पर हमारे क्वेश्चन थे वो उसमें से एक टाइप और बचा है डिवाइड वाला, वो है हमारा लास्ट। इसमें आप देखिए कि संख्या कितनी तेज़ी से घट रही है, 240, 120, 60, यहाँ तो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं पता लगेगा कि ये कितने गुना घट रहा है या कितने से भाग हो रहा है, लेकिन यहाँ जरूर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 30 है, इसका मतलब संख्या आधी हो रही है, ठीक है। 30 से दुगुनी 60 है, 60 से दुगुना ये है और इससे दुगुना ये है। या आप इधर से चलें तो बोल लीजिए 240 का आधा 120 है, 120 का आधा 60 है, 60 का आधा 30, तो 30 का आधा 15 इसका आंसर है। ये थे हमारे क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन और हमारे एडिशन को लेकर। तो टाइप इधर मैं लिख देता हूँ, कौन कौन से टाइप हमने कवर कर लिए हैं। पहला हमने एडिशन या बोल लीजिए सब्ट्रैक्शन, दूसरा हमने कवर कर लिया है डिवाइड या मल्टीप्लाई, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, और चौथा है हमारा इवन मतलब सम संख्या। देखिए थर्ड टाइप को आज लेके चलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि पहला 1, 3, 5, 7, 11 और 13, तो नेक्स्ट बताइए। अब प्राइम नंबर में और ओड नंबर मतलब विषम संख्या में कन्फ्यूज़न होता है कि स्टार्टिंग बिल्कुल उनकी सेम होती है, सिर्फ एक दो नंबर का फ़र्क होता है। विषम संख्या कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 13, 15, 17, 19, 21 ये होती है, और प्राइम नंबर भी ऐसे होते हैं जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 को छोड़कर 11, 13, 15 को छोड़कर 17, 19 और 21 को छोड़कर 23। प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होगा, ठीक है, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या वो नंबर मतलब जैसे हमारा 3 है, 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, मतलब या तो वो संख्या 1 से डिवाइड होगी या वो खुद ही से डिवाइड होगी, सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो सकती है। जैसे हम बात करें 5 की, 5 या तो वो 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो क्या आएगा 5, या खुद से डिवाइड होगा, खुद से मतलब 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब बात करते हैं हम इसके सीरीज़ की। अब हमने ऑब्जर्व करा कि पहले ये नंबर सीरीज़ जो है ये प्राइम की है या ओड की है, तो 1, 3, 5, 7 यहाँ तक सेम होते हैं प्राइम नंबर भी और ओड नंबर भी। फिर बात करी 11 की और 13 की, तो हमें पता लग गया कि यहाँ से एक नंबर मिसिंग है। अगर ये नंबर होता 9 तो ये सीरीज़ होती हमारी ओड की, लेकिन इसमें 9 नहीं है क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो 9 जो है वो 1 से भी कटता है, 9 3 से भी कटता है और 9 से भी डिवाइड होता है, तो ये 2 से ज़्यादा संख्या से ये भाज्य है, तो हम इसको भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इस प्लेस पे क्या आएगा, तो 13 से अगला है भाज्य संख्या कौन सी है, 15, वो तो भाज्य संख्या है, 15 किससे कटता है, 1 से भी, 5 से भी, 3 से भी और 15 से खुद से भी, तो नेक्स्ट जो संख्या आएगी वो आएगी 17। तो प्राइम नंबर की सीरीज़ आप याद भी कर सकते हैं, वो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद भी ऐसे रिमाइंड कर सकते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। और बात करें ओड नंबर की, तो ओड नंबर की सीरीज है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इसमें से कुछ नहीं छूटता, इसमें दो दो का डिफरेंस देके कंटिन्यू चलता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है। तो इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर सिंपल को लेकर, या आप बोल लीजिए कि इसके
स्क्वायर को लेकर बन सकते हैं। जैसे एक टाइप का तो ये हो गया, इसी में प्राइम नंबर दूसरे टाइप बनता है। एक का स्क्वायर करा एक, तीन का स्क्वायर करा नौ, पाँच का करा पच्चीस, सात का करा उनचास, ग्यारह का करा एक सौ उनतीस, तेरह का करा एक सौ उनहत्तर। ठीक है, तो ये हमारे ये सीरीज बन सकती है कि हमें बोल दिया एक नौ पच्चीस और हमें बीच में बोल दिया कि यहाँ क्या आएगा। हमको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ क्या आएगा। करेंगे कैसे, बस ये ध्यान रखना है कि तेज़ी से बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई तो कुछ हो नहीं रहा। एक से नौ की मल्टीप्लाई चलो हमारी पॉसिबल है, एक गुना नौ नौ हो सकता है, लेकिन नौ की पच्चीस में कोई ऐसी संख्या है जो नौ गुना करके पच्चीस आ जाए? कुछ नहीं है, तो गुणा तो यहाँ होगा नहीं, तो स्क्वायर हो सकता है। अब स्क्वायर भी किसका हो सकता है? स्क्वायर सिर्फ सबसे पहले आपको कहीं भी चीज़ आए, सबसे पहले हमको तीन चीज़ें याद रखनी है, या तो वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा, या उसका क्यूब होगा, या खुद वो एक सिंपल प्राइम नंबर होगा, या हमारा स्क्वायर जो होगा वो इवन नंबर मतलब सम संख्या का, या ओड नंबर विषम संख्या का। इन तीन चीज़ का हमें स्क्वायर याद करना है या चेक करना है। ठीक है, अगर संख्याएं बड़ी बड़ी हों तो हमें स्क्वायर होता है, और स्क्वायर भी किस चीज़ का? तीन चीज़ का देखना है, सम का, विषम का और अभाज्य संख्या, तीन चीज़ों का। तो इसमें ना तो सम इसलिए नहीं कि सम का स्क्वायर तो सम ही होगा, एक का स्क्वायर चलो हमने सम विषम मान लिया, सम मान लिया, नौ जो है हमारा विषम, पच्चीस विषम, उनतीस, ये सारे विषम है, लेकिन इसमें कोई सीरीज नहीं बैठ रही है, तो हमें प्राइम नंबर पर जाना है। तो प्राइम नंबर चेक कर, हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? एक, तीन, पाँच और सात, ग्यारह। ठीक है, ये हमारे सीरीज होते हैं, सॉरी 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, ये हमारा वो होता है। तो इसमें हमारा एक किसका स्क्वायर है? एक स्क्वायर है हमारा एक का, तीन किसका है? नौ का, पाँच किसका है? पच्चीस का। तो इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह पर आएगा सात, क्योंकि सात का स्क्वायर क्या है? 49। तो आंसर है हमारा 49। ठीक है, इसकी हम बात कर लिया आज प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की सीरीज इसमें एक तरह से और भी हो सकती है, जैसे मैं बोलूं आपसे कि ये तो सिंपल हमारा स्क्वायर या प्राइम नंबर को ले गया था, इसका क्यूब भी हो सकता है। जैसे एक का क्यूब एक आए, तीन का क्यूब नौ आए, तो इस तरह से इसके क्यूब भी हमारी सीरीज बना सकता है। तो प्राइम नंबर भी तीन तरह से दे सकता है, या तो सिंपल प्राइम नंबर देगा उसकी सीरीज, या प्राइम नंबर का स्क्वायर देगा, या प्राइम नंबर का क्यूब देगा। तो प्राइम नंबर पहचानना भी आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर कैसे देता है? देखिए, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले इवन नंबर स्टार्ट होता है जीरो से। जीरो एक इवन नंबर है। दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, ये ऐसी ही प्लस टू प्लस टू प्लस टू अप टू इन्फिनिटी तक जा सकती है हमारी। ये भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य सॉरी सम संख्याएं हैं, जो दो के पहाड़ मतलब जिसमें टू डिवाइड कर दिए या तो टू से डिवाइड होती हैं वो संख्याएं, या उसमें प्लस टू हो तो वो भी हमारी सम संख्या होती है। लेकिन प्लस टू किस में होना है? एक सम संख्या में अगर प्लस टू करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा सम होगा, मतलब इवन नंबर होगा। अगर हम ओड नंबर में या विषम संख्या में प्लस टू करें तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी विषम होगा। जैसे कि सम संख्या है हमारी दो, अब दो में दो ऐड करेंगे हम, कितना होगा? चार। चार भी एक सम संख्या है। विषम संख्या कौन सी है? मान लीजिए तीन ले लेते हैं हम, ये विषम संख्या है। तो इसमें अगर हम दो प्लस करेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा पाँच, वो भी एक विषम संख्या है। सम और विषम में डिफरेंस भी मैं यही बता देता हूँ, सम क्या होता है, विषम क्या होता है। देखिए, सम और विषम, इवन या ओड। इवन नंबर वो होते हैं सिंपली जो टू से डिवाइड हो, ठीक है, और विषम वो होते हैं जो टू से डिवाइड ना हो, वो होते हैं हमारे विषम। जैसे कि जीरो, जीरो किसी नंबर से डिवाइड होती है? हाँ होती है। जीरो को आप किसी से डिवाइड कर लीजिए, जीरो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जीरो एक इवन नंबर है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी नंबर को लेकर होता है, जीरो एक इवन नंबर है या ओड। जीरो एक इवन नंबर है। अगर ऐसे कन्फ्यूजन दूसरी तरह से मैं दूर करूँ तो इसके लिए क्या प्रूफ है कि जीरो एक इवन नंबर है? देखो, जीरो इवन नंबर का मेन चीज़ ये होती है कि इसमें से आप प्लस दो या माइनस दो करेंगे
तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि इवन है या ओड है। जैसे कि आपने पहली संख्या लिखी दो, अब इसमें प्लस दो करो और माइनस भी दो करो, तो अगर प्लस दो करा तो अगली सम संख्या क्या आई, चार, और इसमें से अगर दो माइनस करा तो पिछली विषम संख्या उस सम संख्या क्या आई, जीरो, इससे पीछे दो प्लस करा तो कौन सी संख्या आई, माइनस दो। यहाँ पे प्रूफ होता है कि प्लस टू करने से हमारी सम संख्या में अगर प्लस टू करें तो आंसर सम ही आता है, या माइनस टू करें तो सम हमारा आंसर भी सम संख्या आता है, मतलब इवन नंबर होता है। जैसे जीरो है, जीरो में से अगर प्लस टू करेंगे तो हमारी जो रिजल्ट आया वो भी एक इवन नंबर आया, और अगर माइनस टू करेंगे तो जो रिजल्ट आया वो भी हमारा इवन आया। ओड में ऐसा नहीं है, जैसे ओड में हम बात करें सबसे छोटी संख्या ओड की वन होती है, या मान लीजिए आप तीन होती है, तीन में अगर हम दो माइनस करेंगे तो क्या आया आंसर, एक, मतलब एक विषम संख्या है। प्लस टू करेंगे तो पाँच आया, पाँच भी एक विषम संख्या है। अगर और हम नेगेटिव में जाएं तो हम एक में से अगर दो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक, इसका मतलब जीरो यहाँ से गायब है, तो इसलिए जीरो एक हमारा इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो ध्यान रखिए सबसे छोटी संख्या, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, रीजनिंग से बाहर आ जाता है, मैथ में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, जीरो है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, वो एक है। ठीक है, अब बात करते हैं इवन नंबर की सीरीज कैसे आ सकती है, जो हमारी मेन बात है या मेन टॉपिक है। जैसे दो, चार, छः, आठ, हमें पता लगा बढ़ रहा है, लेकिन किस दिशा में बढ़ रहा है या किस पोजीशन बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। यहाँ से पता लगी प्लस दो, प्लस दो, प्लस दो, या प्लस दो, आप सिंपली ये तो सिर्फ ये जो ये चीज़ है ना, ये वाली ये चीज़, ये सबका रामबाण है जिसकी मैं बात कर रहा था, इस चीज़ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होता, बस सिर्फ फर्क इतना है अगर क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल होगा तो ये तीन मतलब गोले बन, मतलब जो है हेमिस्फीयर बन जाएंगे, वरना ये दो में ही एटलीस्ट समाप्त हो जाता है क्वेश्चन। तो या तो इस चीज़ को आप अपना लीजिए सब क्वेश्चन में, सब टाइप में ही, जितने भी आप आने वाले टाइप होंगे, या तो इस चीज़ को अपना लीजिए, या आप डायरेक्ट अगर हिट करें दिमाग में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए तो इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो दो, चार, छः, आठ, नेक्स्ट क्या हुआ, दस, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, या अगर आपको इस तरह से हिट नहीं हुआ कि एक सम है या विषम है या प्राइम है या ओड है क्या है, तो आप सिंपली इससे जाइए प्लस दो, प्लस दो, प्लस दो, और प्लस दो, मतलब दस आंसर। ठीक है, अब इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो भी आपको समझना चाहिए कि ये सम संख्या का स्क्वायर है, चार, सोलह, छत्तीस, इक्यासी, तो यहाँ क्या आएगा, आपको पता लगेगा कि प्लस तो हो रहा है लेकिन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो पहली दो डिजिट पे आप रुक सकते हैं कि मल्टीप्लाई का हमारा कोई यहाँ पे तात्पर्य नहीं है, क्योंकि चार की चार मल्टीप्लाई करी तो चार चौक सोलह, लेकिन इसमें करी तो आप सिंपली नहीं कर सकते, तो आपको एकदम मतलब स्क्वायर इसलिए याद करने के लिए बोला था मैंने कि स्क्वायर जो भी आता है हमारा, जैसे मैं संख्या लिखूँ आपको स्क्वायर की कोई भी, इक्यानवे, और मैं लिखूँ तुम्हारा चौंसठ, तो आपको इन नंबर को देखने सिर्फ एकदम ये हिट होना चाहिए दिमाग में कि ये किसी ना किसी चीज़ के स्क्वायर हैं। तो इस तरह से आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए कि सीरीज को देखकर या क्वेश्चन को देखकर या नंबर को देखकर आपको ये लगना चाहिए किसी ना किसी चीज़ के स्क्वायर हैं। स्क्वायर इस तरह से आप याद करिए, बिल्कुल बोलते हैं ना कि जुबान पर रटने चाहिए, वो देखते नहीं एकदम इमेज आनी चाहिए कि हमारा ये स्क्वायर है कोई भी ना कोई। तो जैसे मैं कोई भी सीरीज लिखूंगा यहाँ पर चार, और हार्ड से हार्ड सीरीज लिखूंगा मैं स्क्वायर की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे इक्यासी हो गया, 125 हो गया, 169 हो गया, ये इस सीरीज़ को मैं लिखूंगा ना जब, तो आपको एकदम देखते नहीं पता लगना चाहिए यार 169 तो किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो आपको अगर याद होगा तो 13 का स्क्वायर है, ऐसे हमको याद होना चाहिए। ठीक है, 12 के बात करी इससे पहले था हमारा 144 ना, तो 144 को आपको देख के ये लगना चाहिए कि ये किसी की गुणा में आता है, या किसी को प्लस करके आएगा, या किसी को माइनस करके आएगा, या किसी को भाग करके आएगा, आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि 144 तो एकदम स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर ही इसमें हिट होना चाहिए। तो स्क्वायर की इतनी प्रैक्टिस करिए, जितनी करेंगे उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब, क्यूब भी कम, स्क्वायर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टॉपिक में, तो आप स्क्वायर तो अभी 1 से 20 तक रट लेना चाहिए। ठीक है, 144 से पहले आएंगे तो हम 11 का
121, तो 121 को भी देख के ये लगना कि ये स्क्वायर है, तो आपको सिंपली ये स्क्वायर रटने के बाद आपको ये पता लगेगा कि ये सीरीज जो है ये स्क्वायर की है। तो हमारे आंसर ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इवन हो, इवन की हमने बात करी, हाँ इवन हो सकता है सिंपली सीरीज इवन की या इवन के स्क्वायर की। फिर ऐसी ही हम बात करते हैं पांचवे जो हमारा वो है टाइप, वो ओड की, विषम, ठीक है। विषम में भी ऐसी ही 1, 3, 5, 7, 9 यहाँ पे क्या है, ये इनका स्क्वायर 1, 9, 25, 49, 81, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये भी सीरीज इवन की भी, उसके ओड की भी ऐसी ही है। या जो मैंने रामबाण बताया है वो सबके लिए है, क्या ये क्लाउड वाला, ये चीज करिए और सब पता लग जाएगा कि क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। इसमें बढ़ रहा है कितना, 2, 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 इसमें क्या बढ़ रहा है, 2, मतलब 11। ना तो आपको ये पता करने की जरूरत कि ये इवन सीरीज है, ना ये पता करने की ये ओड है, ना ये पता करने की ये प्राइम है, कोई भी चीज़ पता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है और बस ये बनाते चलना है और आंसर सोल्व हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है डायरेक्ट हिट होने में और ये बनाने में कि 5 से 10 सेकंड का हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, बस बाकी कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट अगर पहले क्वेश्चन आपको हिट करना है दिमाग में या जल्दी करना है तो आपको वो टाइप नहीं दिमाग में मतलब चलने चाहिए कि ये टाइप लगाए। अगर नहीं लगा तो ज़्यादा कोशिश मत करना, ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना, इसी मेथड से जाना है सबको। प्लस दो। अब आप कोई सी भी आपके पास बुक हो, कोई सी भी बुक, उसको आप मुझे बताइए, कोई भी क्वेश्चन हो जो इस तरह से नहीं होगा, सब क्वेश्चन इस तरह से होंगे, सारे क्वेश्चन इस तरह से होंगे, कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं बचेगा। और जो हमारे टाइप को लेकर थे वो सिर्फ टाइप वाले ही टाइप में फिट बैठते हैं, उसके क्वेश्चन सोल्व होते हैं। लेकिन टाइप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एकदम बच्चे को कॉन्फिडेंस हो जाता है जब 5-7 सेकंड में ही रीजनिंग का क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि अगर हमारी सिंपल एक लाइन बनी है ये वाली तो हमें जल्दी ही हम प्लस कर लेंगे, और अगर हमारी इसमें 3 बन जाती हैं तो हमें कन्फ्यूजन रहता है यहाँ क्या आएगा, और अगर हमारी और बनेगी तो ये कन्फ्यूजन रहेगा कि यहाँ क्या आएगा, और यहाँ पे हमें जाना था तो यहाँ जाने के लिए ये प्लस करें या ये प्लस करें, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन यहाँ आगे गलत होता है लास्ट में। ये तो आप सिंपली +2 +2, इसमें +1 +1 +1 ऐसे कर सकते हैं, +0 +0, लेकिन 0 को किस में जोड़ना है तभी आए, ये बहुत मुश्किल है बताना। फिर इसको किस चीज़ में जोड़ें कि ये क्वेश्चन ये आंसर हमारा आंसर तक पहुंच पाए। यहाँ से आंसर तक पहुंचने की सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है, उसको आप प्रैक्टिस से सोल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट प्रॉब्लम है, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस भी नहीं, अगर मैंने 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कराए हैं तो वो ध्यान से देखना और 4 क्वेश्चन को उनको 2 बार करना है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। इसकी एक क्लास और होगी इस टॉपिक की, या एक नहीं 2 और होंगी, एक को मतलब अभी जो हमारे टाइप बचे हैं और 4 टाइप और बचे हैं हमारे, 4 से 5 वो टाइप कवर हो गए, फिर इनका सबका क्वेश्चंस जो होंगे उनकी क्लास होगी, उससे बाहर कुछ नहीं है। फिर सब में मैं जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैं सब में वो वाला मेथड लगा के बताऊंगा, ये जो मैंने रामबाण बताया ये वाला मेथड लगा के बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन हर कोई क्वेश्चन सोल्व होगा किसी भी टाइप का हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, तो वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फेसबुक अकाउंट या अपने व्हाट्सएप या इंस्टा कहीं पे भी इसको शेयर जरूर कर देना है और लाइक कर देना है। थैंक यू, बाय बाय।